वेलकम टू माई चैनल अमृत चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट अमृत और आज मैं आपके लिए आज की पावर पैक टेक न्यूज लाया हूं। काफी सारी न्यूज आई है आज, सो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली न्यूज की बात करूं तो Redmi का जो 4A लॉन्च किया गया था मार्च में MI के द्वारा, उसका एक 3GB रैम वेरिएंट आज लॉन्च किया गया इंडिया में, जिसकी प्राइस लगी गई है 7,000 रुपीज। और इसकी स्पेक्स थोड़ी मोड़ी बता दूं मैं आपको। दूसरे आपको मिलता है 5 इंच की HD स्क्रीन, MediaTek सॉरी स्नैपड्रैगन का 425, और इसमें आपको 3GB रैम मिल जाएगी, 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। तो एक अपग्रेड किया है MI ने 2GB से 3GB तक, और इसकी प्राइसिंग है 7,000 रुपीज, 6,999। और ये आपको मिल सकता है थर्सडे से फ्लिपकार्ट, अमेजन, MI.com, टाटा CL IQ और पेटीएम मॉल पे भी। तो अगर आपको चाहिए रेडमी 4A जैसा ही फ़ोन, मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर एक 7,000 रुपये में 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, सही फ़ोन है ये रेडमी का 4A। तो अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, थम्स अप। और मैं आपको अगली तरफ बताऊँ तो आज मोटरोला का मोटो G5S और मोटो G5S प्लस फोन लॉन्च किया गया इंडिया में। प्राइसिंग भाई साहब बहुत किलिंग रखी है मोटरोला ने, तो थोड़ी मोड़ी मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ। मोटो G5S में मिलता है आपको 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन, स्नैपड्रैगन का 430, 16 MP का रियर कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा के साथ विद LED फ्लैश, 3000mAh की बैटरी और यही सब। और G5S प्लस की स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल HD का डिस्प्ले, और दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज G5S प्लस में, और इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 और 3000mAh की बैटरी, 13+13 MP का दो कैमरा, एक है मोनोक्रोम, एक है RGB, और आपको मिलता है 8 MP 2.0 वाला कैमरा जो कि एक वाइड है, यानी कि फ्रंट कैमरा मिलता है 8 MP का, और जिसमें आपको LED फ्लैश भी मिल जाती है। तो प्राइसिंग की बात करें तो मोटो G5S प्लस की प्राइसिंग है 15,999 और मोटो G5S की प्राइस है 13,999। तो फोन काफी किलिंग प्राइस के साथ लॉन्च किया गया है, बिल्कुल MI5X को सीधा साधा टक्कर देने वाला फोन लॉन्च किया गया मोटोरोला की तरफ से। तो अगर आपको चाहिए एक फोन बजट में 16K to 17K में, तो मैं आपको पर्सनली ये फोन सजेस्ट करता हूँ, मोटो का G5S प्लस, विद डुअल कैमरा, स्टॉक UI, 3000mAh बैटरी, IP55 वाटर रेसिस्टेंट भी है, और मोटो का G5S भी ठीक ठाक फोन है, 4GB रैम और 32GB के साथ आता है। सो ये क्विक स्पेक्स के साथ प्राइसिंग है 16,000 रुपीज और 14,000 रुपीज का दोनों की रिस्पेक्टिवली, तो काफी अच्छी बात है। तो अगर आपको बाय करना है तो लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आज रात से सेल स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आज रात से आप खरीद सकते हो। और एक और न्यूज की बात करूं तो मोटो का G5 प्लस जो लॉन्च किया गया था मार्च में, उसकी प्राइसिंग में 1,000 रुपीज की कटौती, यानी कि 1,000 रुपीज ऑफ मिल रही है मोटो की G5 प्लस में। अब उसका प्राइस हो गया है 4GB 32GB का 15,000 रुपीज, यानी कि 14,999 रुपीज। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, पर ट्राई करना मोटो G5 प्लस, S प्लस सब चीज बेटर है मोटो G5S प्लस से, लेकिन मोटो G5 प्लस से, हाँ ठीक है। तो अगर कोई लेना हो तो दोनों का लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, थोड़ी कृपा मेरे पे भी आ जाएगी। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बताऊँ तो LG का Q6 लॉन्च किया जा सकता है 4GB रैम वाला वेरिएंट जल्दी ही इंडिया में, 4GB 64GB सब स्पेक्स सेम रहेगी, सिर्फ आपको 4GB और 64GB मिलेगी LG के Q6 में। तो देखते हैं LG क्या लाता है और क्या धमाल मचा सकता है या नहीं, 18:9 वाला डिस्प्ले है तो जो भी है। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ो तो यानी कि मोटोरोला का मोटो का X4 फोन लॉन्च किया जा सकता है 2 सितंबर को US में शायद, जिसमें आपको मिल सकता है एक 5.2 इंच का फुल HD का सुपर AMOLED का स्क्रीन, स्नैपड्रैगन का 630, 28 mAh की बैटरी एंड सो ऑन। तो देखते हैं 2 सितंबर को मोटो का X4 लॉन्च होने वाला है US में, यानी ग्लोबली लॉन्च होगा, इंडिया में कब आता है, क्या स्पेक्स आता है ये देखना बाकी है अब, और क्या प्राइसिंग भी लाते मोटोरोला वाले, तो देखते कब आता है ये। और मैं आपको अगली न्यूज की तरफ बढ़ूं तो गूगल का जो प्रोटेक्ट है, क्योंकि गूगल प्रोटेक्ट जो लोगो, गूगल प्रोटेक्ट जो कि प्ले स्टोर में प्रोटेक्ट का ऐप वाला है, उसका लोगो आ गया, यानी कि अगर आपका डिवाइस सर्टिफाइड है तो आपके जो गूगल प्ले स्टोर है उसका लोगो में आपको ग्रीन कलर का डॉट आ जाएगा, इससे आपका यानी कि अगर प्ले स्टोर प्रोटेक्ट है, किसी भी आपको कोई हार्म नहीं पहुंच सकता है आपके प्ले स्टोर पे। तो मेरा जो Redmi Note 4 है, मेरे पास प्रोटेक्ट नहीं है, जब से मैंने MI 9 डाला है तो ये प्रोटेक्शन पे नहीं आता है,
तो अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड है तो आपको भी ग्रीन कलर का लोगो मिल जाएगा गूगल का, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको अगली अपडेट की तरफ बताऊँ तो इंटेक्स का एक्वा स्टाइल 2 फोन लॉन्च किया गया है, जो कि एक बहुत ही बजट सेंट्री फोन है। 4300 रुपीज़ दाम है इसके, यानी कि 4299। और इसमें आपको मिलता है 5 इंच की WG वाली स्क्रीन, 1 GB की रैम, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज और सो ऑन स्पेक्स। तो कुछ नहीं, बहुत ही बजट सेंट्री फोन है ये इंटेक्स का एक्वा स्टाइल 2। तो देखते हैं यार, बहुत सारे बजट लाते ही ये सब कंपनी वाले। और मैं आपको अगली सारा बताऊँ तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 ऐसा नहीं कि एक डिस्प्ले मिट साइट है, उन्होंने बताया है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 का सबसे बिग्स यानी कि सबसे बेस्ट डिस्प्ले अभी तक का वही है, यानी कि बेस्ट एवर स्क्रीन सो फार सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 का डिस्प्ले है, जो कि अच्छा है। इसमें आपको क्वाड एच डी प्लस की रेजोल्यूशन मिल जाती है, सुपर एमोलेड मिलती है, तो सुपर एमोलेड काफ़ी मस्त डिस्प्ले है, ये तो होना ही था, इतना अच्छा डिस्प्ले सैमसंग का है इस बार। और एक और न्यूज़ आ रही थी नोट 8 की कि उसका एक पिंक कलर भी लॉन्च किया जा सकता है जल्द ही, तो देखते कौन सा पिंक कैसा लगेगा देखने में और क्या लगेगा। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 में इंडिया का भी प्री ऑर्डर स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, तो इंडिया में भी जल्दी लॉन्च करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8, जल्दी इंडिया में आने वाला है। तो देखते हैं किस प्राइसिंग से आता है और क्या धमाल मचाने वाले सैमसंग वाले। और मैं आपको अगली न्यूज़ बता दूँ तो उबर ने, उबर जो कि कैब की कंपनी है, उन्होंने पार्टनर किया है ICICI लॉम्बार्ड इंश्योरेंस के साथ, जो कि अपने ड्राइवर्स के लिए जो कि एक फ्री है, यानी कि अब कोई भी उबर में काम करते ड्राइवर बाई चांस उनका सडनली एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है या उनके साथ कुछ भी घटना यानी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए उबर ने उनको इंश्योरेंस दिया हुआ है कि उनके फैमिली को कुछ भी अगर उनके डेथ के बाद कुछ फैमिली को उनको पैसे दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, उबर वालों ने कुछ तो किया अच्छे ड्राइवर्स लोग के लिए, ये काफ़ी बहुत है, थम्स अप फॉर दिस। सही है, बिल्कुल सही है। और मैं आपको अगली अपडेट की बात करूँ तो वोडाफोन का एक नया प्लान निकाला गया है 392 का, जो कि दिल्ली NCR के लिए निकाला गया है। इसमें आपको मिलता है 28 GB का डेटा, 28 GB यानी कि 1 GB डेटा पर डे 28 दिन के लिए, अनलिमिटेड लोकल STD और रोमिंग कॉल्स। तो भाई जियो है, दन दना दन है, तो क्या दिक्कत है, वाई बेवकूफ़ी है वोडाफोन की, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, सिंपल बेवकूफ़ी है, तो जस्ट इग्नोर इट। तो चलते हैं अगली न्यूज़ तरफ, और क्या अगली न्यूज़ तरफ बनूँ तो अमेजन का जो प्राइम वीडियो है उसमें आप यानी कि वो इंडिया में कार्टून नेटवर्क की शो भी आने वाला है, यानी कि अमेजन का प्राइम वीडियो कार्टून नेटवर्क शो को भी सपोर्ट कर सकता है। तो मैंने तो अभी तक अमेजन प्राइम वीडियो ट्राई किया नहीं है, ट्राई करूँगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं यार, क्योंकि कार्टून नेटवर्क बच्चे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बच्चे लोग के लिए, अब वो कार्टून का मज़ा ले सकते हैं अमेजन के प्राइम वीडियो ऐप पर, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको अगली न्यूज़ की तरफ बताऊँ तो जोमैटो जो कि फूड कंपनी यानी कि फूड ऑर्डरिंग कंपनी है, उन्होंने आप वो UPI पेमेंट भी आप कर सकते हो, यानी कि अगर जोमैटो से आप कुछ भी फूड बुक करते हो तो आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हर जगह आजकल UPI बहुत ही फेमस होता जा रहा है, और काफ़ी यानी कि बहुत ही सिंपल पेमेंट होता है UPI से, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है आजकल हर एक ऐप में, तो थम्स अप फॉर जोमैटो। और मैं आपको अगली तरफ बताऊँ तो मीडियाटेक का हीलियो P23 और P30 प्रोसेसर लॉन्च किया गया है मीडियाटेक की तरफ से, जो कि डुअल 4G वोल्टेज को सपोर्ट करता है। तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये वीडियो कल आपको सुबह या रात में आ जाए मैं आपको दे देने वाला हूँ इसके स्पेक्स और ये क्या क्या धमाल मचाएगा प्रोसेसर देखते हैं। तो मैं आपको उस वीडियो देखें ना, आप पूरी बता दूँ तो बहुत टाइम ही कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, ठीक है, तो वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। और मैं आपको अगली तरह बोलूँ तो हॉटस्टार यानी कि जो हॉटस्टार यानी कि आप मैच देखते होंगे हॉटस्टार पे, मुझे मालूम है वो, अब अगर आप हॉटस्टार पे कुछ भी देखते हो तो आप वो फुल HD स्ट्रीमिंग भी सपोर्ट कर सकता है, यानी कि फुल HD स्ट्रीमिंग पे भी आप देख सकते हो, अगर आप मैच देखते हो कोई TV शोज देखते हो तो आप फुल HD पे भी देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब हॉटस्टार पे भी फुल HD आएगा, तो वेरी गुड। और मैं आपको अगली सर बनूँ तो फिटबिट का एक आइकॉनिक स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया है फिटबिट की तरफ से, जिसमें आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, स्मार्ट वॉच है इसमें आपको यानी कि हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, और इसमें आपको 4 डे बैटरी यानी कि बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 19,100 रुपीज़ से, और ये डायरेक्ट कंपैरिजन करता है एप्पल के वॉच को। तो फिटबिट ने लॉन्च किया है USA या ग्लोबली लॉन्च किया है फिटबिट का आइकॉनिक वॉच स्मार्ट वॉच, तो देखते हैं क्या धमाल मचाता है स्मार्ट वॉच एप्पल को कंपेयर कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो जैसा भी है। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बताऊँ तो सैमसंग का जो अगला फोन आने वाला है A18 का फोन, यानी कि 2018 वर्जन का A सीरीज का फोन आने वाला है, वो शायद इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आ सकता है,
तो काफ़ी अच्छी बात है कि सैमसंग अगर बजट में इन्फिनिटी डिस्प्ले लाए तो मैं कहूँगा काफ़ी किलिंग फोन है। तो देखते हैं सैमसंग क्या लाता है ए सीरीज में या जे सीरीज में, किसमें इन्फिनिटी फोन आता है या नहीं आता है। और मैं आपको अगली तरह बताऊँ तो हुआवे का हॉनर V9 विनी या हॉनर का 7X फोन कोई लीक हुआ है। बता जाएगा इसमें आपको 12 mm बेस्ड स्क्रीन का 670 मिल सकता है, 5.5 inch का स्क्रीन मिलेगा और 4 GB रैम 64 GB के साथ। तो ये कहने की हॉनर 8 प्रो का एक मिनी वर्जन आने वाला है हुआवे की तरफ से। तो देखते हैं कब चाइना में पकड़ा गया है, चाइना में पहले लॉन्च चुका फिर इंडिया में आएगा या कब आएगा ये देखना बाकी है। और मैं आपको अगले साल बोलूँ तो एप्पल का आईफोन शायद लॉन्च यानी कि 12 September को लॉन्च किया जा सकता है, ऐसा एप्पल ने कन्फर्म कर दिया है। तो देखते हैं आईफोन क्या धमाका मचाता है। तो और मैं आपको अगले साल बोलूँ तो लेनोवो का जो की 8 नोट लॉन्च किया गया था पिछले महीने इसी महीने में, उसका एक यानी कि की 8 और की 8 प्लस फोन मिड सितंबर में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि के 8 होगा और के 8 प्लस होगा, उसका एक स्मॉलर वर्जन हो सकता है शायद के 8 जो कि आएगा मीडियाटेक की हीलियो P25 के साथ। तो देखते हैं आप तो लेनोवो यार पूरा मीडियाटेक पे चला गया है यार, क्यों लेनोवो क्यों मीडियाटेक क्यों क्यों P23 ले आओ या P30 ले आओ तभी कुछ मजा आने वाला है लेनोवो के 8 नोट के साथ। और मैं आपको अगली तरह बोलूँ तो आईबॉल का एक कॉम्पैक्ट बुक AER3 कन्वर्टेबल लैपटॉप लॉन्च किया गया है, कॉम्पैक्ट बुक है जिसके आपको 30 inch की फुल HD की डिस्प्ले मिल जाती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और काफ़ी सारे चीज़ भी मिल जाते हैं। तो प्राइसिंग रखी गई है 29,999, जिसको एक चाहिए छोटा सा लैपटॉप आइए ट्राई कर सकते हो, पूरी डिटेल्स बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो तो देखते हैं। और मैं आपको आज की सबसे लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ूँ तो कैनन का एक EOS M100 एक कैमरा लॉन्च किया गया है जिसका मेगापिक्सल है 24.2 megapixel का कैमरा है ये, जो कि डुअल पिक्सल ऑटो फोकस आता है और इसमें आपको 3 inch की डिस्प्ले मिलती है जो कि फ्लिप 180 degree फ्लिप वाली है और इसका प्राइसिंग स्टार्ट होती है 40,700 rupees से। तो देखते हैं कैनन कौन सा कैमरा लाया और क्या हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टेक न्यूज है, बिल्कुल बिल्कुल पावर पैक टेक न्यूज है मेरी तरफ से। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव गिव्स ए थम्स अप, इफ यू डिडंट वॉच इट ऑन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे तगड़ा वगैरह पावर पैक टेक न्यूज आता हूँ। सो गाइस मैं मेहनत करता हूँ काफी सारे, तो सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सी यू साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।